मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्दी खाना में। आज हम करी बड़ी बनाएंगे। बड़ी मतलब बिना प्याज या किसी और चीज़ के, सिर्फ बड़ी के पकौड़े और करी। इसके लिए सामग्री है लगभग 200 ग्राम बेसन, 100 ग्राम दही, स्वादानुसार नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा और थोड़ा सा खाने का सोडा। अब सबसे पहले हम बेसन का एक पेस्ट बनाते हैं। तो बेसन में नमक स्वाद अनुसार जितना उस पेस्ट के लिए होना चाहिए आप अपने हिसाब से डाल दें। हल्दी पाउडर लगभग आधी छोटी चम्मच डाल दें। जीरा साबुत जो हमने रखा है लगभग आधी छोटी चम्मच, उसको पूरा डाल दें। खाने का सोडा लगभग 1/4 छोटी चम्मच। ध्यान रहे खाने का सोडा ज़्यादा नहीं डालेंगे, पेट खराब हो जाता है उससे। जीरा पाउडर और धनिया पाउडर दोनों आधी आधी छोटी चम्मच डाल दें। इन सबके मिश्रण को हम पहले तो सूखे में ही मिला लेंगे, क्योंकि अगर गीले में मिलाएंगे तो अच्छे से मिल नहीं पाता। तो सूखे में एक बार अच्छे से इसे मिला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ध्यान रहे पानी हम ज़्यादा एक बार में नहीं डालेंगे, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बनने लगती है। तो पानी धीरे धीरे करके मिलाएं इसे। इसी तरह से पानी डाल के इसे हम मिलाएंगे। धीरे धीरे पानी डालें और इसे इसी तरह मिलाते जाएं। ध्यान रहे ये पेस्ट जितना ही ज़्यादा मिलेगा, जितना ही ज़्यादा मिलाने में आप मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी बड़ी आपकी बनेगी। और जो बेसन में गुठलियाँ बन रही हैं उनको तोड़ते जाना है और इस तरह से इसे मिलाते जाना है। आप भी देख पा रहे होंगे कहीं कहीं गुठलियाँ अभी भी हैं, तो इसे इस तरह मिलाएंगे तो गुठलियाँ टूटेगी। लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे इसी तरह मिलाना होता है, तो सारी गुठलियाँ आपकी टूट जाएंगी और आपको एक अच्छा पेस्ट मिलेगा। अच्छा पेस्ट मिलेगा तो अच्छी बड़ी बनेगी। इस तरह से इसका पेस्ट बनाना है। अब हम टेस्ट करते हैं कि बेसन मिल पाया या नहीं। इसके लिए कटोरे में पानी डाल के इसमें थोड़ा बेसन डाला। अगर ये तैरने लगे तो मतलब है कि आपका बेसन आपने फेंट लिया है। अभी जैसा देख रहे होंगे पानी में तैर रहा है, तो बेसन रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब कढ़ाई में पकौड़े तलने के लिए कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। हमें डीप फ्राई करना है तो ऑयल इसी हिसाब से डालें। गैस का फ्लेम तेज कर दिया ताकि ऑयल जल्दी गर्म हो। अब ऑयल चेक करना है एक बार गर्म हुआ या नहीं। इसके लिए थोड़ा सा बेसन ऑयल में डाला, देखेंगे इस तरह से तैर के ऊपर आ रहा है, लेकिन इसमें अभी झाग आ रहा है। झाग आ रहा है तो थोड़ा और गर्म होगा, तो थोड़ा सा और गर्म करूँगा मैं ऑयल को। ऑयल गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम धीरे धीरे इस तरह हाथ से बड़ी जिस शेप में चाहिए आपको उस शेप में डालते जाएं बेसन। ध्यान रहे बड़ी जितना बड़ा चाहिए आपको पकौड़े कढ़ी में, उससे आधा आप इसमें डालेंगे, क्योंकि वो फूलता है। तो जो साइज आपको पकौड़े में चाहिए
करी पकौड़े में, उससे हाफ साइज यहाँ पे डालें। आप देखेंगे अभी ये फूलेगा, और जब हम इसे करी में डालेंगे तो और भी ज़्यादा फूलेगा। इस तरह से धीरे धीरे डालना होता है क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो सावधानी से इसमें डालें। थोड़ा सा जगह खुला ही रखें क्योंकि ये फैलता है। आप भी देख रहे होंगे कि ये फैल के कितना बड़ा हो गया है पहले से। अब आँच को मध्यम कर दें ताकि जले ना। अब धीरे धीरे से पलट के देख लें, दूसरी तरफ से पक गया है तो दूसरी तरफ इसे सबको एक एक करके सावधानी से पलटते हैं। अब हमारी बड़ी बनके तैयार है। अब इसे धीरे धीरे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं हम। सावधानी से निकालें क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। सारे बड़ी को एक साथ हम निकाल लेते हैं। अब जो बाकी बेसन बच गया है उसकी उसके भी इस तरह से पकौड़े हम बना लेंगे। पकौड़े हमारे तैयार हैं। अब हम करी की तैयारी कर लेते हैं। करी के लिए 2 टेबल स्पून बेसन, नमक, हल्दी, 3 कलियों कली लहसुन का मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया, तेज़पात 2, करी पत्ते लगभग 12-15, साबुत जीरा आधी छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच हींग, धनिया मसाला लगभग 1 छोटी चम्मच, और जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और हल्दी। अब हमने जो दही लिया था, दही को और बेसन को अब हम एक साथ मिला लेंगे। अब इसमें दही और बेसन में नमक और हल्दी और जो हमने मसाले रखे हैं, लहसुन का पेस्ट और धनिया और जीरा पाउडर मिला लेंगे। तेज़पात और जीरा वगैरह को बाद में फ़ौरन में डालेंगे, तो इसे हम पहले घोल बांधते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से मिला लें। इसमें भी गुठलियाँ बनती है तो धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। मिल जाने के बाद इसमें लगभग मैं 1 लीटर पानी डालने वाला हूँ क्योंकि मुझे इतना ग्रेवी चाहिए। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से घोल लें। दूसरी तरफ कढ़ाई को गर्म कर लिया, उसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। इसमें सबसे पहले जीरा डाल दें, जीरा के बाद हींग, तेज़पात और करी पत्ते, सारा कुछ डाल के इसे एक बार मिला लें। सारा कुछ जब पक जाएगा तो इसमें हम बेसन डालेंगे। पक गया है सारा कुछ, अब इसमें हम बेसन डाल देते हैं। बेसन डाल के अच्छे से मिला दें। ध्यान रहे आपको रस जितना भी चाहिए उतना पानी डालें आप उस हिसाब से, और लेकिन नमक वगैरह उसी हिसाब से आपको थोड़ा बढ़ाना होगा। हमें इतना ग्रेवी चाहिए तो मैंने इतना पानी लिया। अब इसमें गैस तेज कर दें। अब इसमें एक बार उबाल आने की प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद पकौड़े डालेंगे। करी को हम चावल, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। इसे लंच या डिनर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है।
जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे ये उबलने लगा है। अब इसमें हम पकौड़े को डालेंगे। इस तरह से आपकी करी बड़ी बनके तैयार है। एक बार अब बड़ी के साथ इसमें उबाल आएगा तो ये हो गया है। आप मित्रों बहुत ज़्यादा आसान है इसे बनाना, आप बनाएं और अपने अनुभव हमें भी बताएं। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे उबाल आ चुका है और हमारी बड़ी भी ज़्यादा फूल गई है। मैंने कहा था ना दोगुने साइज में हो जाएगा, तो लगभग दोगुने शेप में हो गया है। अब मैं इसे बंद करने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।